Hey guys, welcome to Paints in Boxes. Christmas is almost round the corner और इतने सारे DIY वाले videos चल रहे हैं पूरे YouTube पे कि हमने सोचा हम भी प्यारा सा अच्छा सा DIY वाला Christmas tree बनाने वाले हैं और बहुत time हो गया, long video format भी नहीं आया था, तो इससे better option क्या हो सकता है? चलो let's start. तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ green chart papers, scissor और cutter. आओ शुरू करते हैं. तो इसमें से पहले एक चार्ट पेपर ले लेते हैं, इसको हम फोल्ड करने वाले ऐसे. तो इस फोल्डेबल पेपर को हम कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे इसको. तो ऐसे ही करके हम बहुत सारी स्ट्रिप्स रेडी कर लेंगे, जितना बड़ा क्रिसमस ट्री हमें बनाना है. सबको फोल्ड कर लेती हूँ. तो ऐसे मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स काट ली है. अब सीजर से ना इसमें पतली पतली सी लाइंस देनी है. बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मजा आएगी. इसको ना एकदम ऐसे लंबा लंबा कट करना है, पतला पतला सी हाफ. टाइम कंज्यूमिंग है बट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फन है. ऐसे ही पतले पतले आपको ऐसे करके पूरे स्ट्रिप्स को कट कर लेने हैं, जितने भी हमने बनाए अब तक. तो ये जब ये कटेगा तो ये ऐसे दिखेगा. वहाँ पे पहुँचू इसी तरह सारी स्ट्रिप्स को ऐसे रेडी करके दिखाती हूँ आपको. फुल काट के रेडी है. अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड करूँगी. जो जहाँ से हमने कट नहीं किया है ना, उस पोर्शन को हम फोल्ड करेंगे. हम पूरी स्ट्रिप्स को फोल्ड कर रहे हैं बस. और ये ऐसे ही रेडी हो गया. इसी तरीके से मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स रेडी कर लूँगी. इसको थोड़ा सा जिगजैग कर लेंगे. तो जब आप जिगजैग करोगे ना, कि ऑटोमेटिकली इसकी जो कटी हुई स्ट्रिप्स है वो ऊपर नीचे हो जाएगी. उसका जो लुक है ना, वो बहुत अच्छा आएगा. ऐसे लगेगा कि ट्री है. और जब इस पर दिखाती हूँ, जब आप इस पर अटैच करोगे, जैसे क्रिसमस ट्री सपोजिंगली है, उस पर अटैच करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा. चलो ऐसे ही सारी स्ट्रिप्स करके दिखाती हूँ. इसी तरीके से सारी बहुत सारी स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली है. देखो आउटर पोर्शन है ट्री का, तो ये रेडी हो गया. अब इसका बेस रेडी करेंगे चार्ट पेपर से. तो इस तरीके से चार्ट पेपर को लंबा करके आप कोन शेप बनाएंगे. बहुत सिंपल है. अगर आपने बेल वाले अंकल को देखा होगा कोन बनाते हुए, बस इसको ऐसे लंबा करना है. यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड करना और कोन को घुमाते रहना. अब अंदर से थोड़ा लंबा करेंगे, तो उल्टा रोटेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए. इसको काट के इक्वल शेप में कर देंगे पहले. सो इसको टेपिंग कर देंगे पहले ताकि ये सिक्योर हो जाए. इस तरीके से जहां से कोन की पूरी लाइन जा रही है वहां पे सिक्योर कर लेंगे. सो इसको टेप से सिक्योर कर दिया. अब जो ये एक्स्ट्रा शीट है, इसको एक राउंड लेवल पे आने के लिए इसको एक्स्ट्रा को कट कर देंगे. उसको कट कर लिया तो एक प्रॉपर शेप आ गया. अभी हमारा कोन खड़ा हो गया है, कुछ से स्टैंड बाय हो गया है. सो आप इस कोन में ये स्ट्रिप्स को अटैच करेंगे. यहाँ पर मैंने डबल स्ट्रिप्स को जॉइन किया है और इसमें अटैच करेंगे ताकि थोड़ा घना सा दिखे. इसको ना बस ऐसे करके अटैच कट करूँगी और अटैच करती हुई जाऊँगी, वो भी फेवी स्टिक से. ऊपर वाला ग्लू से मैं स्टिक कर रही थी बट मुझे उसकी सेफ्टी का थोड़ा वैसा था, तो मैंने टेप से किया ताकि वो ज़्यादा सिक्योर रहे. तो टेप से भी बहुत इजी हो जाएगा. हम दूसरे नीचे का साइज ले लेते हैं. देन सेम प्रोसीजर करना है, कट करना है. बस ऊपर टेप लगाई और स्टिक कर दिया. अब बस ऊपर टेप लगा के ऐसे स्टिक कर देना है. और इसको लास्ट में जब ऐसे से करेंगे ना, तो ये क्रिसमस ट्री
बहुत प्यारा लगेगा। ऐसे ही मैं आपको पूरा रेडी करके दिखाती हूँ। गाइस हाफ वे कम्प्लीट हो गया और इसका कुछ ऐसा लुक है। वो थोड़ा और चेंज होगा जब पूरा कम्प्लीट करके उसको डेकोरेट करेंगे, लेकिन हाफ वे पहुँची हूँ। बहुत टाइम तो लग रहा है बट बहुत मज़ा आ रही है। जब आप खुद के हाथों से क्रिसमस ट्री बनाओगे बहुत सारे आइडियाज़ होंगे तो अच्छा लगता है। हैंडमेड DIY चीज़ें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट लगती हैं। गाइज उसी प्रोसीजर से हमने पूरा ट्री रेडी कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है उसका फाइनल लुक। एंड हियर इज द ट्री। पेपर ट्री है, पेपर क्राफ्ट है बेसिकली, बट बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। अब इसका स्टैंड बनाते हैं ताकि ये खड़ा हो सके। सो मेरे पास ये बेस थर्माकोल्स रखे हुए थे तो इसको मैंने गोल शेप कर दिया और ये ऐसा थर्माकोल को सो यहाँ पे ग्लू से मैं अटैच कर देती हूँ इनको और फिर ट्री को अटैच करेंगे। तो अच्छी तरीके से ग्लू कर देंगे ताकि ये निकले ना। सो ये बेस को ग्लू गन से पूरा लगा देंगे फिर ट्री उसके ऊपर स्टिक कर देंगे ताकि वो एकदम मजबूती से टिक जाए। तो मैं यहाँ भर भर के ग्लू गन डाल रही हूँ ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। लेट्स सी स्टिक होता है कि नहीं। इसको अच्छे से हमने कर दिया, थोड़ी देर होल्ड करके रखता है। सो ये वेस्ट थर्मोकॉल्स रखे हुए थे मेरे पास तो इनसे हम ना स्क्वायर शेप के छोटे छोटे गोल बॉल्स बनाएंगे, गिफ्ट्स बनाएंगे, इनसे बाकी सारी चीज़ें रेडी करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स हम कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में जो हम ट्री पे टंगा सकें और फिर इस पर गिफ्ट रैपिंग करेंगे। ऐसे स्क्वायर शेप के हमने गिफ्ट काट लिए हैं और अब हम इसे ट्री में लगाएंगे। छोटे छोटे गिफ्ट रेडी कर लिए, अब इस पर गिफ्ट रैपिंग करेंगे और फिर ट्री को डेकोरेट करेंगे। और अब मैं गिफ्ट रैप कर रही हूँ और फिर ट्री को डेकोरेट करेंगे। इसी तरीके से सारे गिफ्ट्स रेडी कर लिए हैं। देखो थर्मोकॉल से हमने क्यूट बेल्स, स्टार्स और ये सब रेडी कर लिया है। अब इसे पेंट करेंगे और डायरेक्ट गिफ्ट को रेडी करेंगे। उसके बेस पे गैसों का कोट लगाएंगे एंड देन इसको ब्राउन पेंट करेंगे। स्टार्स सबको पेंट करने की बारी है। ट्री रेडी है, गिफ्ट्स रेडी है, सारे डेकोरेटिव आइटम्स रेडी है एंड इट्स टाइम टू डेकोरेट इट। तो मैं सारे गिफ्ट सब कुछ लगा दूंगी एंड देन लेट्स सी। मैंने इमेजिन किया है वैसा ही, आई होप ये ट्री दिखे। बहुत सिंपल है, बस ये स्ट्रिप्स, कोई भी एक स्ट्रिप पे आपको बस गिफ्ट का नॉट अटैच करना है और इसे फोल्ड कर देना है और वो गिफ्ट रह जाएंगे। स्टार लगा थर्मोकोल का चूड़ा क्रिसमस फील्स देने के लिए, थर्मोकोल क्रिसमस फील्स देने के लिए और ट्री को और अच्छी तरीके से डेकोरेट करने के लिए। सो आर यू गाइस एक्साइटेड टू सी द फाइनल लुक?